हाय गाइस, मेरा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं ड्रीम इलेवन में बेसबॉल की टीम देने वाला हूँ। जो कोरियन बेसबॉल लीग का मैच है, केटी विज वर्सेस एसके वाइवेंस के बीच जो मैच है, मैं उसी का ही टीम देने वाला हूँ। केटी विज हैविंग ओन 15 लॉस 22 ऑफ द 37 मैचेस दे प्लेड सो फार। KTU is at the 8th position on the points table this season. On the other hand, SK Wyverns are at position lower on the back of 12 wins and 25 losses in their 37 matches in this season. तो अभी तक KTU वाइज जो है 8 नंबर पोजीशन पे है लीग में, और SK Wyverns जो काफ़ी लास्ट में है अपने टीम में। As for the last 5 matches between the two teams are concerned, KTU Wiz have a significant lead. They won their last 5 matches against SK Wyverns. पिछले जो 5 मैच खेला गया थे, उस पिछले 5 मैच में KTU Wiz ने अपने बाजी मात दी थी। KTU Wiz versus SK Wyverns के बीच जो मैच हो गया, मैं उसका एक टीम एडिट करूंगा। तो मेरे साथ टीम क्रिएट कीजिए। फर्स्ट ईयर रोजर्स जूनियर को मेरे टीम में पिक करूंगा। काफ़ी तगड़ा हीटर है, काफ़ी अच्छा बॉलर मारने में एक्सपर्ट है। उसके बाद बी जोएंग डाइक को मेरे टीम में पिक करूंगा, ये भी काफ़ी अच्छा हिटर है। उसके बाद आप चाहते तो यापट से किए बाइक हो को अपने टीम में पिक कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पर से पिक करूंगा के क्योंग हो को। ये 3 खिलाड़ी में आउटफील्डर चॉइस करूंगा। लाइनअप में काफ़ी खिलाड़ी बैठ भी सकता है क्योंकि प्ले ऑफ की काफ़ी तारीफ है। तो दोनों टीम भी निकल गया है प्लेऑफ के राउंड से, तो काफ़ी अदल बदल हो सकता है। यहाँ पर से किए जो अंगू का इसका मैच खेल सकते हैं, तो इसको ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर से काफ़ी प्लेयर को लिस्ट दे रहा है टीम ने, तो सी जी हुन भी काफ़ी बेहतरीन खिलाड़ी है, वजह हुआंग हु भी काफ़ी बेहतरीन है, एक बार ट्राई कर सकते हो। इनफील्डर चॉइस में यहाँ पर से पिक करूँगा ए जाइगुन को, रोमाक को। रोमाक काफ़ी तगड़ा खिलाड़ी है अपने टीम का। उसके बाद यहाँ पर से मैं पिक करूँगा, यहाँ पर से पिक करूँगा के संग हियोन को, ये भी काफ़ी अच्छा खिलाड़ी है अपने टीम का, तो इसको भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पर से पिक करूँगा ओ ताइगोन को। ये 4 इनफील्डर्स मैं मेरे टीम में पिक करूँगा, काफ़ी शानदार खिलाड़ी है। पिचर पे यहाँ पर से पिक करूँगा डिस्पाइन को, काफ़ी बेहतरीन खिलाड़ी डिस्पाइन। उसके बाद कैचर पे यहाँ पर से पिक करूँगा जे सांगू को। आप यहाँ पर से अगर एल जाई वन एसर अगर मैच खेलता है, तो इसको भी ट्राई कर सकते हो, यह भी काफ़ी शानदार खिलाड़ी है। कोरियन बेसबॉल पे क्या होता है, या कोई भी बेसबॉल मैच में क्या होता है, कोई भी प्लेयर ना भी खेल सकता है क्योंकि काफ़ी अदल बदल होता है। एक प्लेयर हर दिन नहीं खेल पाता है, तो उसको रेस्ट देना चाहिए, तो रेस्ट देता भी है टीम का मैनेजमेंट, तो काफ़ी चेंज हो सकता है। और दोनों टीम ही प्लेऑफ के बाहर है, तो चेंज होना ज़रूरी रहेगा। तो कैप्टन वाइस कैप्टन जो अदर ऑप्शन रह सकता है, इस पर से काफ़ी सारे चॉइस है। जैसे मेरा सेफ ऑप्शन रहेगा रोजर्स जूनियर कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस है, बिंग जेंग डाई कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस है, या पर से जाई गोन कैप्टन वाइस कैप्टन गुड चॉइस। रोमाक तो काफ़ी बढ़िया चॉइस है कैप्टन वाइस कैप्टन का। मेरा मानना है ग्रैंड लीग में डिस्पाइंच काफ़ी अच्छा कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस रह सकता है। तो मेरा जो एक सेब वाइस कैप्टन कैप्टन रहेगा, वो रहेगा एम रोजर्स जूनियर को, मेरे टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन रोमाक। ये मेरा सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन या यूनिवर्सल सबका ही कैप्टन वाइस कैप्टन सेम रहेगा। गाइस, ये रहेगा मेरा यूट्यूब चैनल का फाइनल टीम। कोई भी और भी कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, आप खुद का चॉइस है। गाइस, आज के लिए यहाँ पर ही। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए, कुछ जानने के लिए जरूर कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स के रिप्लाई दूंगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, पास में जो बेल आइकन उसे क्लिक कर दीजिए। मैं ऐसी टीम देता हूँ क्रिकेट फुटबॉल बास्केटबॉल और बेसबॉल का। मैं फाइनल टीम अपडेट कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके ज्वाइन हो जाना गाइस। वहाँ पर मैं फाइनल टीम अपडेट करूंगा 3 मिनट बिफोर डेडलाइन में। तो ऑल द बेस्ट आज के मैच के लिए गाइस।